हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग SKMU के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, दिसंबर सेमेस्टर 4 का, उसकी केमिस्ट्री के पेपर को देखेंगे। और यह जो केमिस्ट्री का पेपर है यह जनरल पेपर है, ठीक है। और यह जो एग्जाम है वह 12 दिसंबर 2022 को कंडक्ट कराया गया था। तो देखिए, यदि कुल क्वेश्चन की बात करें तो फुल मार्क्स की बात करें तो 60 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि समय की बात करें तो 3 घंटे का समय दिया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो आंसर यानी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एट लीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप्स। अब क्या करना है हम लोगों को, प्रत्येक ग्रुप में कितने 5 क्वेश्चन का उत्तर करना है, ठीक है। प्रत्येक ग्रुप में जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और उस 5 क्वेश्चन में किन्हीं 2 करके हम लोग को आंसर करना है, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप में कम से कम 2 क्वेश्चन हम लोग आंसर करना है। तो देखिए, डिस्कस द जनरल ट्रेंड्स इन ग्रुप आई ए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिएशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 1 और 2 क्वेश्चन है। थर्ड की बात करें तो ए और बी है। इसी प्रकार 4 क्वेश्चन आप लोग आगे देख सकते हैं। पेज नंबर 3 की बात करें तो ये क्वेश्चन रहा। अब ग्रुप बी की बात करें तो देखिए, इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं। राइट डाउन द मेन postulate of the kinetic theory of gases, how do the real gases differ from ideal gases। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन, देख लिए। 8 नंबर का भी आपके पास ये रहा। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, और इसे यूज में ला सकते हैं। इसके बाद देखिए, पेज नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो है जनरल पेपर है केमिस्ट्री का, और ये कंप्लीट पेपर है जो कि 9 दिसंबर 2022 को होना था और हुआ भी है। और ये सेमेस्टर 4 का पेपर है। ऐसे ही और इस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्पिंग हैंड्स।